जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में सीखेंगे टैली प्राइम में एक्चुअल बिल की एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक फ्रेश कंपनी बनाएंगे। एबीसी के नाम से हम एक कंपनी बनाते हैं, स्टेट बिहार, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड। अपने बिजनेस के हिसाब से आप अपने फीचर्स को यस कर सकते हैं। तो हमें वर्क करना है एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी पे। तो सबसे नीचे यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे तो यूज सेपरेट एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस के नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन को हमें करना है यस। यस करने के बाद यहाँ पे एक जीएसटी का ऑप्शन दिखाई देगा, जीएसटी ऑप्शन को यस करना है। और इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर डालना है, फिर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब दोस्तों एक्सेप्ट करने के बाद आपका इंटरफेस जो है वो टैली प्राइम का कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। यहाँ पे कंपनी का नाम शो करेगा, आप आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। अब आपको वर्क करने के लिए जाना है वाउचर में। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो परचेज करने के लिए जाएंगे वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद आप परचेज बटन पर क्लिक करेंगे। परचेज में जाने के लिए शॉर्टकट की होता है F9। आप यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो परचेज आपका ओपन हो जाएगा। क्वांटिटी देखेंगे तो एक तरफ एक्चुअल और एक तरफ बिल्ड का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर में इनवॉइस नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, पार्टी नेम में हम कैश परचेज कर रहे हैं तो कैश ही डाल लेते हैं, और इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक परचेज का लेजर बनाना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज। इंटर करने के बाद परचेज का लेजर अंडर जाएगा परचेज अकाउंट में। परचेज अकाउंट में डालते हुए हम जीएसटी को अप्लीकेबल रखेंगे, डिटेल्स को नो रखेंगे, सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर परचेज लेजर के सामने परचेज का लेजर हो जाएगा। अब आपको नेम ऑफ आइटम चाहिए कि कौन सा सामान आप परचेज कर रहे हैं। तो मान लिया जाए हम एक एलईडी परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में ऑल्ट और सी बटन को प्रेस करके हम एक एलईडी के नाम से एक आइटम बनाएंगे। अंडर हम इसे प्राइमरी में डालेंगे, कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल डालेंगे। यूनिट में हम यहाँ से क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करके एलईडी पीस में बिकता है तो पीसीएस बनाएंगे, पूरा नाम हो जाएगा PIECES। यूनिकोड में हम पीसीएस को सेलेक्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस को जीरो रखते हुए एक्सेप्ट करेंगे। BOM का ऑप्शन पूछेगा, नो रखेंगे। स्टैंडर्ड रेट भी नो रखेंगे। जीएसटी को अप्लीकेबल रखेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स का ऑप्शन पूछेगा, इसको यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे गुड्स लिखेंगे। HSN कोड में जो HSN LED का कोड है वो डाल लेंगे। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू और टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल को सेलेक्ट करेंगे। नीचे आएंगे तो परसेंटेज, हम 12% अगर LED पे टैक्स लगा रहे हैं तो 12% डालेंगे, जिसमें सेंट्रल 6%, स्टेट 6% और केस 0%। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को रखते हुए इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्चुअल में अगर हम मान लिया जाए 11 पीस खरीद रहे हैं तो प्राइस 10 का देना पड़ रहा है 10,000 के रेट से, तो अमाउंट आपको यहाँ पे 1,00,000 रुपया शो कर जाएगा। यानी एक्चुअल में आपको कितना मिला है 11 पीस, लेकिन बिल्ड जितना का पैसा देना हो वो बिल्ड में डालेंगे, तो 10 का पैसा देना हो तो 10। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद एक बार इंटर ज़्यादा करेंगे, ऑल्ट और सी बटन प्रेस करेंगे, बनाएंगे CGST। इंटर करने के बाद इसका लेजर चला जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो हम इसे डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेज। यहाँ से जीएसटी को सेलेक्ट करेंगे, सी है तो सेंट्रल टैक्स को सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज 6 हो जाएगा। राउंडिंग मेथड को नॉट अप्लीकेबल रखते हुए इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो टैक्स की वैल्यू है वो ऑटो कैलकुलेट नहीं हुई, क्योंकि हमने पार्टी नेम में कैश रखा है। जब भी आप पार्टी नेम कैश रखेंगे तो टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होता, तो हमें पार्टी नेम में किसी का नाम देना होगा। तो हम यह कैश पर क्लिक करेंगे, क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पार्टी नेम में एक नाम दे देते हैं राज का। अंडर हम इसे डाल लेते हैं संडी क्रेडिटर में। इंटर करेंगे, बिल बाय बिल को यस रखते हुए इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे हम इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे आगे बढ़ेंगे, राज का यहाँ पे डिटेल्स शो करेगा, परचेज का लेजर, और नीचे आएंगे तो देखेंगे टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर ऑल्ट और सी बटन को प्रेस करेंगे, बनाएंगे SGST। ये अंडर चला जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो इसे हम डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेज। उसके बाद यहाँ से जीएसटी सेलेक्ट करेंगे, स्टेट टैक्स सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 6 रखेंगे, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल, और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। इंटर करेंगे और इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये परचेज का ट्रांजैक्शन आपका हो जाएगा। सेल्स करने के लिए सेल्स बटन पर क्लिक करेंगे, सेल्स खुलेगा। पार्टी नेम में हम यहाँ पर किसी पार्टी का नाम डाल लेंगे, तो क्रिएट ऑप्शन में जाते हैं और एक नाम बना लेते हैं, जैसे सोनू। लेजर जाएगा संडी डेटर्स में, तो इसे संडी डेटर्स में डाल लेंगे। बिल बाय बिल को यस रखते हुए हम इंटर करके इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद लेजर पूछा जाएगा, तो क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करके हम एक सेल्स का लेजर बनाएंगे।
सेल्स का लेजर अंडर जाता है सेल्स अकाउंट में, तो सेल्स अकाउंट में डाल लेंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल, डिटेल्स नो, सप्लाई में गुड्स और एक्सेप्ट। सामान का नाम यहाँ पे एलईडी बना हुआ है तो एलईडी को सेलेक्ट करेंगे, 11 पीस बेचेंगे, 10 का प्राइस लेंगे 12,000 के रेट से। इंटर करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, एक बार इंटर करेंगे सीजीएसटी यहाँ पे चार्ज करेंगे, फिर इंटर करेंगे और एसजीएसटी चार्ज करेंगे। इंटर करने के बाद इसे भी हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये आपका एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी पे वर्क हो जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम इस बिल को देखना चाहेंगे तो स्केप से बैक जाएंगे, डेबुक में जाएंगे, सेल्स वाले को सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट के साथ हम पी बटन को प्रेस करके और प्रीव्यू ऑप्शन के साथ में हम इस बिल को यहाँ पे देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट बटन पे क्लिक करके इसे प्रिंट आउट दे सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।